My special message to all Salman Khan fans over City Maa's song trolling, यानी कि City Maa's song को लेकर जो negative trolling की जा रही है, चाहे वो YouTube पर हो, YouTubers कर रहे हैं, या social media पर Twitterites कर रहे हैं, उसको लेकर मैं ये special video बना रहा हूँ, और ये video को ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा, और मैं अपनी राय आपको बताने वाला हूँ। मैं बॉलीवुड को आज से नहीं पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 2016 में मैंने इस चैनल पूरी तरह से स्टार्ट किया था, मतलब फुल फ्लेज बनाने वीडियोस, और मैंने हमेशा देखी है ट्रोलिंग, देखी है बहुत ही नेगेटिव ट्रोलिंग देखी है। बहुत बुरी तरह से लोग ट्रोल करते हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, किसी को नहीं छोड़ते, ट्रोलर का काम ही यह है। लेकिन जो लास्ट 3 साल से ट्रोलिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और पिछले 1 साल से जो ट्रोलिंग हुई है उसमें भी अगर बात करें तो अक्षय कुमार को लेकर काफी हुई है, उसके अलावा सलमान खान के ऊपर सबसे ज्यादा बड़े तौर पर गाज गिरी है, क्योंकि वो सबसे बड़े एक्टर है और सबसे टॉप पर वो आते हैं, यानी कि उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी करता है तो भी कमाता है, पॉजिटिविटी करता है तो भी कमाता है। एनीवेज मैं को एक चीज कैसे है ना, मैं किसी को जल्दी दुखी देख नहीं पाता हूं, और शायद वो मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोग का शायद है, इमोशनल लोग हैं हम लोग भी, मैं भी इमोशनल, आप लोग भी है। तो सिटी मॉल सॉन्ग को लेकर जो कई सारे यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी राय रखी है, स्पेशली नेगेटिव राय रखी है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कैसे है ना, हर किसी को अपना डेमोक्रेटिक कंट्री बिंदास बोलने की आजादी, पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, लेकिन आप क्रिटिसाइज भी करो तो ऐसे करो कि आपकी क्रिटिसिज्म समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हो, आप क्या गलती पकड़ रहे हो। आप क्रिटिसाइज कम कर रहे हो, बार्किंग ज्यादा कर रहे हो, बार्किंग यानी कि भौंकना। भौंकना इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग गाने से ज्यादा सलमान खान को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि वो टूर पिस क्रिटिक ने साफ साफ कह दिया कि सलमान खान तो इतना बुढ़ा है, मेकअप लगाने के बाद भी उसकी खाल लटकती है या उसका चेहरा, या सलमान खान तो पता नहीं कैसा बंदा है, नमाज भी नहीं पढ़ता। मतलब ये सब ये क्या सिनेमा सॉन्ग का ये रिव्यू है? नहीं, ये पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। This is personal target. This is not a review. आप इतने हाई और बड़े अगर यूट्यूबर है, आप एक आपका नाम है, तो आप बदनाम मत करो। और कैसा है ना, आपके हमारे पेरेंट्स ने, सबके पेरेंट्स ने, कोई ये बोल नहीं सकता कि सिखाया नहीं होगा कि अपने से बड़े इंसान की कदर करो, रिस्पेक्ट करो। और ये बंदा क्या बोलता है, वो बुढ़ा सलमान, वो ऐसा सलमान, वो वैसा सलमान, ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप उनके सामने वाले को ये बोलते हो कि आप नमाज तक नहीं पढ़ते हो, तो आपके अपने माँ बाप के दिखा बताए हुए जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो उन्होंने तमीज सिखाई, क्या आप वो भी भूल चुके हो? आपको भी तो सिखाया गया ना कि बड़ों की इज्जत करो, तो आपने क्या वो की? तो पहले आप अपने गिरबान में झाको, फिर दूसरे के आई थिंक बुरा बोलने की ऐसा हिम्मत रखो। पहली बात तो ये, मैं मानता हूं गाने रिमेक है और उसको लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है, ऑरिजिनलिटी बॉलीवुड में काफी ज्यादा कम होती जा रही है, गाने रिमिक्स होते हैं, फिल्में रिमेक होती है, मैं एग्री कर रहा हूँ, और ये आज से ही नहीं, कई सालों से हो रहा है और हर एक इंडस्ट्री करती है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं जनरली आपको बता दूं, फिलहाल मलयालम इंडस्ट्री है जिसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि उनकी फिल्में कम बजट की होती है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वो बनाते हैं। कर्नाटक सिनेमा धीरे धीरे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से आगे बढ़ रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में वो भी बना रहे हैं, तमिल तेलुगु फिल्में भी अच्छी बन रही है, हिंदी में भी बन रही है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, ज्यादातर रिमेक्स, स्पेशल बड़े बड़े स्टार्स रिमेक्स बना रहे, बहुत सारे हैं ऐसी फिल्मों की जो शायद जरूरत भी नहीं है। तो आई एग्री कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सलमान खान के जो फैंस हैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा, आपने सिटी मार गाना देखा, ठीक है, आपको दिल से कैसे लगा, आपको कैसा फील आया? आपको अगर वो गाना अच्छा लगा है तो जो क्रिटिक्स कह रहे हैं उसे भी भूल जाइए, जो सोशल मीडिया पे ट्विटर्स पे ट्वीट आ रहे हैं उसको भी भूल जाइए, आपको अच्छा लगा ना बस बड़ी बात है। सलमान खान के इस गाने में ना कोई ओछापन था, ना कोई गंदगी थी, ना कोई फालतू चीज थी, इट्स ए प्योर एंटरटेनिंग सॉन्ग जिसे पब्लिक पसंद करती है, और मैं दावे से कहता हूँ हर कोई शादी बारात पार्टी में गाना जरूर बजेगा और लोग इसे पसंद करेंगे। सो मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि गाने की, मैंने ये देखा है कि स्पेशली जो यूट्यूबर्स जो नेगेटिविटी कर रहे थे, आप 10 चीज नेगेटिव बोल सकते हो गाने की, एक पॉजिटिव चीज भी तो बोल सकते हो, तो आप 10 की 10 नेगेटिव चीजें बोलते, एक पॉजिटिव चीजें नहीं बोलते, तो आप सदासद गलत कर रहे हो ना। उसके बाद आप बोलते हो मैं ऑनेस्ट यूट्यूबर हूँ,
आप अगर ऑनेस्ट होते तो आपको इतनी गालियां नहीं पड़ती, आपको इतना बुरा भला लोग नहीं कहते। तो मेरी मायने में यही मैं कहूँगा, कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप सलमान खान फैन से, कि नेगेटिविटी ट्रोलिंग पर मत जाइए, क्योंकि नेगेटिविटी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। और सलमान खान हमेशा बोलते हैं कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं उनकी फिल्म को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सलमान खान ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनको पता है मेरी फिल्म फैमिली ऑडियंस थिएटर में आके देखती है और रिपीटेड मोड पर देखती, बार बार आकर देखती है। और यही है सलमान खान की पहचान। इसीलिए चाहे उनके ट्रेलर को, चाहे उनके सीतीमा सॉन्ग को, चाहे उनकी फिल्म को कितना भी ट्रोल करे, उनकी फिल्म चलती है, क्योंकि उनकी फिल्म में गंदगी घटियापन नहीं होता है, अच्छी फिल्में होती है। हाँ, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूं कि हमारे जो बॉलीवुड के गाने हैं वो ओरिजिनल हो और नए गाने बने, क्योंकि वो जो एक दौर था ना अच्छे ओरिजिनल गानों का, वो कहीं ना कहीं गायब सा हो गया है, जो तकलीफ होती है, नो डाउट, क्योंकि मैं भी फिल्म लवर, मैं भी ओरिजिनलिटी ज्यादा पसंद करता हूं। तो यस, मैं खुद चाहता हूं कि बॉलीवुड में भी ओरिजिनल गाने बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गाने का रीमेक करो या जो भी करो, तो उसको आप पर्सनली बहुत बुरी तरह से किसी इंसान को ट्रोलिंग करो, उसको बुढ़ा कहो, उसको ये कहो, उसको वो कहो। ये तो मैंने बेसिक बताया, इससे भी बुरी बुरी तरह से लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, सो विच इज नॉट गुड। एंड पता नहीं किस तरह से ट्रोलिंग करके इन्हें थोड़े व्यूज मिलते हैं, तो पता नहीं क्या खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई ट्रोलिंग करे। अगर पॉइंट टू पॉइंट कोई क्रिटिसाइज करता है ना गाने को या पिक्चर को या ट्रेलर को, तो मुझे कोई बुरा नहीं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ट्रेलर की आड़ में लेकर या गाने की आड़ में या फिल्म की आड़ में सलमान खान या किसी भी एक्टर की बुराई करता है पर्सनली जाकर, वो मुझे नहीं समझता है, वो गलत है। ये स्पेशली उनके लिए वीडियोस है और उन फैंस के लिए कि आप दिल मत दुखाइए, टेंशन मत लीजिए। सलमान खान का गाना आपको अच्छा लग रहा है, ट्रेलर अच्छा लग रहा है, फिल्म अच्छी लग रही है, तो बस सलमान खान की फिल्म हिट है और अभी तक लोगों को ट्रेलर और गाना दोनों अच्छा लगा है। सो इन नेगेटिविटी पब्लिसिटी से ज्यादा टेंशन मत लीजिए, किसी को गाली गलौज मेरे को लगता है बोल के करके कुछ मतलब नहीं है। बस हाँ, आप इतना पॉजिटिविटी रखिए कि ये फिल्म अच्छी है, अगर आपको गाना अच्छा लगा तो अच्छी बात है, 10 लोग क्या कहते हैं मतलब नहीं ना, आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लग रहा है ना, बात खत्म।